स्वयं प्रभा डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया नमस्ते दोस्तों हम इस लेक्चर श्रृंखला में आधुनिक भारतीय इतिहास के ऊपर केंद्रित इतिहास लेखन इतिहास धारा या हिस्टोरियोग्राफी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में उसकी बदलती के ऊपर चर्चा कर रहे हैं इससे पहले हमने 19वीं सदी में बंकिम बंकिमचंद चटर्जी रविन्द्रनाथ टैगोर और महाराष्ट्र में जिस तरह से राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां पनप रही थीं उनका आकलन किया उन पर चर्चा की उससे पहले हमने 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जो ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स भारत में भारतीय इतिहास में शुरू हुआ था उसके बारे में बात की शुरुआत में और इसी सिलसिला को जारी रखते हुए आज हम लोग महात्मा गांधी के इतिहास दृष्टि की ऊपर चर्चा करेंगे तो देखिए जो एक महत्वपूर्ण बात मैं रेखांकित करना चाहूँगा शुरू में ही वह यह कि जब हम 19वीं सदी महाराष्ट्र बंगाल टैगोर बंकिमचंद चटर्जी या महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं तो एक तरह से ये सभी राष्ट्रवादी इतिहासधारा की संज्ञा से हम इन्हें संबोधित कर सकते हैं लेकिन यहाँ हर पड़ाव पर हर मोड़ पर हमें कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है जो रुझान हैं वह बहुत डिसाइसिव तरीके से बहुत मानी तरीके से बदल रहा है बंकिम की जो इतिहास दृष्टि थी वही रविन्द्रनाथ ठाकुर की नहीं थी महाराष्ट्र में जिस तरह से राष्ट्रवादी इतिहास धारा का प्रचार प्रसार वो पनपा वही बंगाल में नहीं था उसका वही स्वरूप और आज फिर जैसे हम देखेंगे कि महात्मा गांधी के यहाँ इतिहास की एक बेहद अलग दृष्टि है अनोखी दृष्टि है तो इसलिए जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वह कोई एकास्म विचारधारा नहीं है वह कोई एक ही बात नहीं है उसमें अनेक संश्लिष्टताएँ हैं और उसमें खुद परस्पर विरोधी स्वर हैं यह बात जहन में रखना एक इतिहास के विद्यार्थी के लिए ही नहीं पर हर उस आदमी के लिए महत्वपूर्ण है जो कि इतिहास को विचारधारा के साथ जोड़ता है और या फिर इतिहास की राजनीति में दिलचस्पी रखता है तो ये जो हर नए नए आयाम हैं इनको हम कैसे देखें इनकी संश्लिष्टता को हम कैसे परखें इसी जद्दोजहद में हम अलग अलग शख्सियतों जिनका मुझे लगता है कि जिनकी इतिहास की दृष्टि पिछले सौ सालों में दो सौ सालों में हमारे लिए महत्वपूर्ण रही हैं उनके ऊपर हम केंद्रित यह लेक्चर कर रहे हैं तो एक तरह से यह इतिहास के आइडिया की बदलती प्रवृत्तियों के ऊपर भी बात है और उसमें कितने तरह के दावे प्रतिदावे हो रहे हैं वह भी महत्वपूर्ण है तो इस संक्षिप्त टिप्पणी के साथ हम आज के लेक्चर की तरफ जो हमारा फोकस है वहाँ आते हैं और हम आज महात्मा गांधी और उनकी इतिहास दृष्टि की ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो महात्मा गांधी ने इतिहास से संबंधित बहुत कम लिखा वे अपने को इतिहासकार कहलाना का तो बहुत दूर उन्होंने ना तो कोई ऐतिहासिक को उपन्यास लिखा न ही उन्होंने इतिहास को लेकर कोई मुकम्मल सिद्धांत किसी किताब के शक्ल में हमारे सामने रखा लेकिन उन्होंने जहाँ कहीं भी इतिहास के प्रति अपनी चिंताएँ अपने सरोकार व्यक्त किए वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अनोखे दृष्टि से अनोखी नज़रिए से अतीत को देखने की अंतर्दृष्टि देता है तो ये जो इंसाइट है ये जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया प्रोवोकेशन है उसको हम आज 21वीं सदी के दूसरे दशक में कैसे देखें यहाँ खड़े होकर हम उसको कैसे देखें उसका हम भारतीय इतिहास इतिहास लेखन की पद्धतियों के साथ उसका संवाद हम कैसे करें उसके क्या मायने किन अर्थों में हम उसे ग्रहण करें ये मेरा जद्दोजहद है तो शुरुआत में ही मैं एक बहुत ही उत्तेजक वाक्य से करता हूँ जहाँ महात्मा गांधी कह रहे हैं कि वह राष्ट्र खुश है जिसका कोई इतिहास नहीं है तो देखिए ये अपने आप में कितना उत्तेजक है यह वाक्य कि हम लोग राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की बात कर रहे हैं और इससे पहले हमने बंकिम की बात की रविन्द्रनाथ टैगोर की बात की जहाँ इतिहास को लेकर बहुत गहरी चिंताएं हैं असल इतिहास क्या हो भारत का उसकी चिंताएं हैं और आज हमारे सामने एक शख्स है जो हमें कह रहा है कि वह राष्ट्र खुश है जिसका कोई इतिहास नहीं है तो ये ये एक तरह से कहें तो पूरी बाजी को पलट देने की बात है इसको इसके क्या मायने हुए यहाँ गौरतलब है कि जब गांधी और महात्मा गांधी यह बात हिंद स्वराज में कह रहे हैं वहाँ इतिहास उनके लिए यह जो शब्द है वह पश्चिमी यूरोपीय जो इतिहास की संकल्पना है उसकी वे बात कर रहे हैं जहां वे कहते हैं कि इतिहास में युद्ध का वर्णन है इतिहास में राज्यों के बीच संघर्ष है इतिहास रक्त रंजना से भरा हुआ है जैसा कि कल हमने रविन्द्रनाथ टैगोर के भी आलोचना में देखा तो ये उस इतिहास की बात कर रहे हैं वह जो राज्य केंद्रित इतिहास है उसकी आलोचना कर रहे हैं आलोचना ही नहीं कर रहे हैं उसको सिरे से खारिज कर रहे हैं कि इतिहास यदि वही संघर्ष की दास्तान है वही राज्यों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा की बात है यदि युद्धों की बात है तो कोई भी राष्ट्र ऐसे इतिहास से कुछ भी सीख नहीं सकता है किसी भी राष्ट्र के हित के लिए वह इतिहास जरूरी कतई नहीं है यह उनकी मूल प्रस्तावना लेकिन अब देखिए गांधी जी जितने सरल शब्दों में अपनी बात कहते थे उनकी जटिलताएं उतनी ही उनकी पेचीदगियां उतनी ही स्तरों पर हमारे सामने आती हैं और उन पेचीदगियों को मुकम्मल तौर पर समझना जरूरी है नहीं तो हम न तो उस शख्स की महानता को समझ पाएंगे और न ही उनके वैचारिकी के जो गहन बिंदु हैं उन पर ही भी हमारी नज़र जा पाएगी तो एक तरफ तो गांधी जी यूरोपीय इतिहास की संकल्पनाओं को खारिज कर रहे हैं और वे कहते हैं कि छोटी छोटी घटनाओं के इर्द गिर्द जीवन पद्धति को संरचित कर हमारे हिंदू पूर्वजों ने हमारे लिए इतिहास के प्रश्न का समाधान कर दिया था और जैसे कि महाभारत महाभारत का उदाहरण इस समाधान के तौर पर वे पेश करते हैं और उनका कहना है कि जो हमारे पूर्वज रहे उनके लिए राजाओं राज्यों का संघर्ष वे, वे घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं रहीं बल्कि छोटी छोटी घटनाएं जो हमारे जिंदगी का हिस्सा हैं उन जिन घटनाओं से हमारे जिंदगी को समाज को सीख मिलती रही हैं वे घटनाएं महत्वपूर्ण हैं और महाभारत और रामराज्य का रामायण का वे बराबर उदाहरण देते रहे हैं तो यह जो महाभारत या रामायण या हिंदू पूर्वजों की बात जिस तरह से वे कर रहे हैं और जिस तरह से इतिहास को खारिज कर रहे हैं ये कई सवाल हमारे सामने छोड़ती है क्या इसका एक अर्थ यह लगाया जाए कि गांधी जी इतिहास के काल निर्धारण या इतिहास जो समय केंद्रित है उस समय की अहमियत को नहीं मानते थे कतई नहीं गांधी जी समय के बेहद पाबंद थे और जैसा कि हम में से बहुत से सुधारथी, विद्यार्थी इस बात से परिचित होंगे कि वे हमेशा एक पॉकेट वॉच रखा करते थे बेहद पाबंद थे और समय के प्रति जो उनकी निष्ठा थी वह किसी भी आधुनिक व्यक्तित्व की जो होती है वही थी तो समय की अहमियत को गांधी जी नकार नहीं रहे लेकिन साथ ही वे समय की एक रेखियता जो इतिहास में महत्वपूर्ण है उस पर सवाल उठा रहे हैं उसको वो खारिज कर रहे हैं समय की एक रेखियता के कई मायने इतिहास में रहे हैं एक तो जिस तरह से इतिहास एक यूनिलीनियर एक रेखीय समय में पेश किया जाता है अभिव्यक्त किया जाता है जिस तरह साक्ष्यों को विश्लेषण के समय क्रमवार तरीके से पेश किया जाता है एक सतही स्तर पर वह बात है इसके साथ ही इतिहास में विकासमूलक समय की बात होती है जहाँ इतिहास अर्थात मानवीय समुदाय का मानवीय समाज का प्रिमिटिव फॉर्म से धीरे धीरे विकास करते हुए और प्रगति करते जाना भौतिक प्रगति मटेरियल डेवलपमेंट तो जो डेवलपमेंट टाइम जो विकास मूलक समय है वो एक अर्थ में वो है और इन दोनों ही को एक रेखीय समय या विकास मूलक समय इन दोनों को ही गांधी जी खारिज करते हैं तो क्या हम यह माने कि गांधी जी उस विवाद में अपने को शामिल कर रहे हैं जो इतिहासकारों के मध्य रहा कि भारतीयों के बीच जैसे पाश्चात्य विद्वान यह आरोप लगाते रहे कि भारतीयों में कोई इतिहास नहीं था क्योंकि उनमें समय की कोई अवधारणा नहीं थी उसके जवाब में यह कहा गया कि भारतीयों के बीच एक रेखीय समय की अवधारणा न रही हो लेकिन चक्रीय समय की अवधारणा थी फिर बाद में इतिहासकारों ने यह भी प्रमाणित करने की कोशिश की कि यहाँ एक रेखीय और चक्रीय समय की दोनों ही अवधारणाएँ रहीं तो क्या गांधी जी जब समय के की बात कर रहे हैं महाभारत की बात कर रहे हैं रामायण की बात कर रहे हैं तो क्या इतिहासकारों का यह जो जो सवाल है उसमें दखल दे रहे हैं कतई नहीं गांधी जी कुछ अलग कह रहे हैं जिसे सुनने के लिए हमें और गहरे पानी में उतरना होगा यहाँ एक जो महत्वपूर्ण आयाम है वह यह कि गांधी जी जब इतिहास को खारिज कर रहे हैं तो उनके जहन में इतिहास और राज्य के बीच का जो संबंध आंतरिक संबंध परस्पर संबंध जो रहा जो गठजोड़ रहा उसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं और वहाँ वह प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं अब इसके भी कई मायने हमारे सामने खुलते हैं लेकिन उन्हें समझने के लिए हमें संक्षेप में ही यह देखना होगा कि इतिहास की जो दास्तान रही है अपनी कहानी रही है आधुनिक इतिहास की वह प्रबुद्धवाद के बाद से की कहानी है आधुनिकता की कहानी है आधुनिक ज्ञान के रूप में इतिहास के मान्यता की कहानी है और जब यह आधुनिक ज्ञान विज्ञान की दास्तान में जाएंगे तो यह कहानी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद दोनों के साथ चलती है तो इतिहास का एक ज्ञान के माध्यम के रूप में जिस तरह से विकास हो रहा है वह पश्चिमी यूरोप खासकर उसके जो अपनिवेशवादी मंसूबे रहें उस इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है तो साम्राज्यवादी सत्ता और इतिहास के बीच का यह जो तालमेल है जिसके कारण गैर यूरोपीय समुदायों पर इतिहासकार प्रश्न चिन्ह लगाते रहे जिसके कारण यह माना माना जाता रहा या आरोपित किया जाता रहा कि भारत में कोई इतिहास नहीं था तो ये उस समूचे समीकरण पर ही गांधी जी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं भारत में भी यही हुआ जिसकी बात हमने 18वीं सदी के अंत और उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में जब हम जिस लेक्चर में बात कर रहे थे जिस प्रकार से औपनिवेशिक इतिहासधारा विकसित हुई तो वहाँ भी यही सत्ता और ज्ञान के बीच का समीकरण हम पाते हैं इसके विरोध में राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने तर्क दिए लेकिन जब यह विरोध दावे प्रति दावे चल रहे हैं उस फ्रेम से उस चौकठे से गांधी अपने को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और सफल रूप से कोशिश करते हैं तो महात्मा गांधी के लिए यह पक्ष और विपक्ष दोनों ही महत्वहीन है इतिहास यह महत्वहीन इसलिए भी है क्योंकि इतिहास महात्मा गांधी के लिए न तो अतीत की घटनाएं हैं न ही अतीत को ज्ञान रूप में जिस प्रकार इतिहास प्रतिनिधित्व करता है उसमें ही उनकी दिलचस्पी थी तो जो अतीत के ऊपर इतिहास ने एक किस्म की मोनोपोली इस्टैब्लिश की थी कि जो इतिहासकार लिखेंगे वही प्रामाणिक इतिहास होगा वही प्रामाणिक रूप से अतीत का ज्ञान होगा गांधी जी उस पर सवाल उठा रहे हैं उस इतिहास के मोनोपोली को चुनौती दे रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले भी शुरुआत में जिक्र किया कि हिंद स्वराज में वे लिखते हैं कि इतिहास युद्धों और साम्राज्यवादी रक्तपात का लेखा जोखा है तो उस समीकरण से भी उस चक्र से भी स्वयं को बाहर रखना चाह रहे हैं गांधी जी दरअसल गांधी जी अतीत को किसी ज्ञान या जानकारियों के माध्यम से हासिल करने का या अतीत की जो समझ है वह अतीत से जुड़ी हुई जानकारियों का भंडार न हो यह उनके सरोकार में हमें नज़र आता है उन्हें दरअसल वह अतीत चाहिए था जो जनमानस में अनुभव के रूप में जीवित हो तो वह गांधी जी किसी फॉसिलाइज्ड अतीत की बात नहीं कर रहे हैं उनके लिए यह अनुभव महत्वपूर्ण है अब यहाँ मैं बहुत संक्षेप में एक कहानी कहना चाहता हूँ जिससे अनुभव और इतिहास के बीच का जो विरोधाभास है वह शायद और भी स्पष्ट हो कहानी है चरखे के चरखे के इतिहास की 1921 में जब महात्मा गांधी स्वराज झंडे के डिज़ाइन की बात सुनिश्चित कर रहे थे तो उन्होंने जोर देकर यह कहा कि स्वराज के ध्वज में चरखा होना ही चाहिए चरखा उन्हें सबसे अधिक प्रिय था स्वराज को हासिल करने का यह जरिया था और भी बहुत कुछ तो इस तरह से चरखा स्वराज के ध्वज में शामिल हुआ वह गांधी जी के लिए भारतीयों का सुख दुख आम भारतीयों के अनुभव और विदेशी शासन के प्रति उनके संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था कहानी को संक्षेप में रखते हुए जब हम 1921 से 1940 के अंतिम सालों में आते हैं जब भारत की आज़ादी की बात हो रही थी नया संविधान बन रहा था भारतीय तिरंगे झंडे का रूप तय हो रहा था स्वतंत्र भारत के तिरंगे झंडे का तो ऐसे में जो डिज़ाइन पारित हुआ संविधान सभा में वहाँ चरखे के स्थान पर अशोक चक्र लिया गया और इससे गांधी बहुत क्षुब्ध हुए बहुत नाराज़ हुए उन्होंने उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि जो चरखा भारतीय स्वाधीनता संग्राम में आम जन की भागीदारी का प्रतीक था उनके सुख दुख उनकी अनुभवों का प्रतीक था क्या हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उस चरखे को भूल जाएं? क्या इस सुख दुख को इस आम आदमी को एक प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राट के अशोक चक्र से बदल देना उचित होगा तो ये जो अनुभव और इतिहास की जो लड़ाई है इसमें वे हमेशा अनुभव के पक्ष में खड़े नजर आते हैं तो ये एक बहुत छोटी सी कहानी मैंने इस बात को रेखांकित करने के लिए सुनाई कि गांधी जी के यहाँ अनुभव के क्या मायने हैं गांधी जी के संदर्भ में यही अनुभव अलग अलग रूपों में जीवित अतीत के रूप में हमारे सामने आता है जीवित अतीत से मेरा तात्पर्य उन सामाजिक मान्यताओं ऐसे विश्वास से है जो समाज के रग-रग में बसे हैं और यहाँ पर रामायण और महाभारत का उदाहरण फिर से हमारे सामने आता है रामायण और महाभारत महज कहानियाँ नहीं भारतीयों के लिए आज भी आप ग्रामीण इलाकों में जाएं तो किसी न किसी लम्हों के लिए किसी मौके के लिए लोग आपको दो चार वहाँ से सीख पंक्तियाँ आपको सहजता से सुना देंगे यह किसी संगठित धर्म की बात भी नहीं है यह एक ऐसे ग्रंथ की बात है जो हम इतिहास में जानते रहे हैं जो सदियों से नए आकार लेता रहा है लेकिन जिसकी शिक्षाप्रद बातें समाज अपने तरह से जीता रहा है तो ये टेक्चुअल रेफरेंस नहीं है ये एक जीवित परंपरा की बात है जिस तरफ गांधी जी हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं एक ऐसी परंपरा जो एक नदी के समान है अतीत से चली आ रही है उसका स्वरूप नए नए तरह से अख्तियार करती हैं जिस भू भाग में वो नदी जा रही है लेकिन कहीं न कहीं वह नदी अपने रूप को भी कायम रखे हुए हैं तो यह जो जीवित परंपरा है यह जो समाज के ऊपर प्रभाव है परंपरा का उसकी बात वह गांधी जी हमारे सामने कर रहे हैं लेकिन फिर देखिए कि जब गांधी जी महाभारत की बात करते हैं रामायण की बात करते हैं तो बंकिम चंद की तरह या अन्य इतिहासकारों की तरह वह गांधी जी महाभारत के ऐतिहासिक प्रामाणिकता की तरफ नहीं जाते उनके लिए विदेशियों का दावा या राष्ट्रवादियों के प्रति दावे कि महाभारत मिथक है या एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था उसके क्या प्रमाण होंगे वह प्रमाण सही हैं या गलत हैं इनमें गांधी जी की कोई रुचि नहीं रही तो ये महाभारत को जैसा मैंने अभी कहा कि उस परंपरा अतीत की उस थाती के रूप में देखते हैं जिसका कि वर्तमान में जिसकी अहमियत है तो ये अलग किस्म का एक आप कह सकते हैं अतीत के साथ ट्विनिंग है बहुत संश्लिष्ट है और जैसा कि मैंने कहा कि महाभारत या रामायण को वे टेक्स्ल रेफरेंस की तरह नहीं देख रहे हैं इसीलिए ऐतिहासिक पद्धतियां जो इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं कि कैसे किसी अतीत के ग्रंथ को पढ़ा जाए वह भी वह पद्धति भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती तो गांधी जी के लिए मायने क्या रखता है गांधी जी के लिए मायने रखता है विश्वास जो किसी पद्धति से परे हैं जिसे लोग अपने दैनिक जीवन में नैतिकता की तरह धारण करते हैं वह विश्वास अहम है और ऐसा करते हुए ये मान्यताएं यह विश्वास ये नैतिकता अतीत और वर्तमान को दो अलग खंडों में बांटने के बजाय एक दूसरे से गहरे रूप में संयुक्त कर देती है जोड़ देती है जैसा कि मैंने नदी का उदाहरण से बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की दूसरी तरह से कहें तो गांधी जी के जो अतीत वर्तमान समय की सामाजिकता में शामिल नहीं है वह मायने ही नहीं रखता उनके लिए मृत प्राय और असंपृक्त अतीत महत्वहीन है जब वे रामायण और महाभारत की बात कर रहे हैं वे अतीत उन्मुख हैं ही नहीं दरअसल ये जीवित परंपरा गांधी जी के लिए महत्वपूर्ण है जो एक मूल्य की तरह गांधी के विचारों में हमारे सामने आता है तो यह जो नैतिकता की बात है यह विश्वास की बात है यह जो सामाजिक मूल्य है वह महत्वपूर्ण है अब देखिए जैसा मैंने कहा कि बंकिम रविंद्र नाथ टैगोर और गांधी गांधी जी के विचारों में किस तरह से जो ज़मीन है वह बदल रही है आलोचना की तो हमने रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हुए देखा था कि वहाँ जो प्रात्योहिक जीवन है जीवन की जो साधारणता है जो गौणता है वह किसी सांस्कृतिक तथ्य के रूप में जीवन की लयात्मकता के रूप में हमारे सामने आता है एक सर्टेन एस्थेटिक इन्वेस्टमेंट जिस कह सकते हैं वह हमें रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन में मिलता है लेकिन यहाँ जब गांधी जी रामायण की बात करते हैं महाभारत की बात करते हैं रामराज्य की बात करते हैं या मिथक और परंपराओं की बात करते हैं मोटे तौर तो पर कहें तो, तो ये मिथक ये कथाएं यहाँ सांस्कृतिक तथ्य की तरह भी नहीं आती यहाँ जब वे रामराज्य की बात करते हैं तो उनके दिमाग में जो एक आदर्श समाज है आदर्श व्यवस्था है वह अक्ष है तो उस अक्ष को तलाशते हुए वे यह नहीं कह रहे कि भारत में अतीत का कोई स्वर्णिम युग था जहां वह रामराज्य था यदि आप गांधी में को उस तरह से पढ़ने, पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद बहुत दूर तक बहुत गहरे तक नहीं जा पाएंगे यहाँ जब रामराज्य की बात है आदर्श व्यवस्था की बात है तो ये किसी असली राष्ट्रवाद वास्तविक राष्ट्रवाद या भारतीय राष्ट्रवाद की तलाश नहीं है आगे हम जब जवाहरलाल नेहरू के इतिहास दृष्टि की बात करेंगे तो यह बात और भी स्पष्ट रूप से हमारे सामने आएगी कि देखिए गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही के लिए राष्ट्र एक इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है जहां सांप्रदायिक सौहार्द बेहद महत्वपूर्ण है लेकिन नेहरू के लिए जो सांप्रदायिक सौहार्द की धरातल है वह एक यूटोपियन नेशनलिज्म की धरातल है आदर्शवादी राष्ट्रवाद की धरातल है जिसे भारत और भारतीय समाज को अभी अचीव करना बाकी है वह उसका लक्ष्य है और इस तरह से जो हार सोशल हारमोनी है उसकी प्राप्ति नेहरू के इतिहास के मॉडल में भविष्य में स्थापित की जाती है जो एक सेकुलर भारत का सपना है लेकिन गांधी जी के हां यह वर्तमान की बात है यह विभिन्न समुदायों के आपसी संबंध की आदर्श स्थिति है जिसके लिए वे आत्मंथन की बात करते हैं आत्मनियमन की बात करते हैं स्व की बात करते हैं व्यक्तियों के जिम्मेदार जिम्मेदारी की बात करते हैं <laughs> तो यहाँ वर्तमान में किस तरह सहिष्णुता और सामाजिक सौहार्द्र किसी मूल्य बोध की तरह समाज को दिशा निर्देश दे सकता है उसकी बात है तो सहिष्णुता और सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ एक मूल्य बोध की तरह आता है न कि किसी कालखंड में अवस्थित एक संकल्पना की तरह इस विश्वास को जनमानस के इस सामाजिक मूल्य बोध को इस अनुभव को कैसे समझा जाए यह एक इतिहासकार के लिए हमारे सामने चुनौती की बात है एक स्तर पर हमने देखा कि गांधी जी पाश्चात्य इतिहास और राज्य के बीच के का जो संबंध ऐतिहासिक संबंध रहा है उसकी तरफ इशारा करते हैं दूसरी तरफ यहाँ जब वे जनमानस के सामाजिक मूल्यबोध की बात करते हैं विश्वास की बात करते हैं नैतिकता की बात करते हैं अनुभव की बात करते हैं तो वे आलोचना आधुनिकता की कर रहे हैं आधुनिकता की दरअसल समग्रता से आलोचना कर रहे हैं आधुनिकता के किसी एक अवयव या किसी टुकड़े की आलोचना नहीं कर रहे हैं प्रबुद्धवाद के बाद जो ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ उसको उसकी उसको उसके तर्क पद्धति को उसकी ए, उसके सरोकारों को खारिज कर रहे हैं तो यहाँ उस प्रबुद्धवाद के बाद के ज्ञान विज्ञान आधुनिक ज्ञान विज्ञान की तरह विश्वास को न तो तर्क के और न ही प्रमाण के अधीन करने की बात है ऐसा नहीं है कि वही विश्वास सत्य माना जाएगा जो प्रामाणिकता के दावे पर खड़ा उठ यहां न ही उन अनुभवों को प्रामाणिकता और सार्वभौमिक वस्तुनिष्ठ सत्य के कसौटी पर कसा जा रहा है इतिहास का यही दावा है कि कोई भी अनुभव तभी एक ऐतिहासिक तथ्य का रूप अख्तियार कर सकता है जब वह प्रमाणिकता के और वस्तुनिष्ठता के पैमानों पर खड़ा उतरे जहां हुआ एक सार्वभौमिक स्टेटस उसका उस तथ्य का होता है तो इतिहास का यह जो सार्वभौमिक दावा है उस अनुभव के प्रति उस पर सवाल या निशान लगाते हैं और उसे खारिज करते हैं जब गांधी जी विश्वास और सामाजिक मूल्य की बात कर रहे हैं उनके लिए यह व्यक्तिगत विश्वास है स्वयं आत्म के साथ किया गया एक दृढ़ संवाद जो अनेक तत्वों से बना है यह सत्य समाज के हर तबके के हित में है यह समाज के हर तबके के हित में हो यह समावेशी हो इंक्लूसिव हो और यह अहिंसक हो ये कसौटी ऐसे हैं जिसका कोई एक्सटर्नल प्रूफ नहीं हो सकता है गांधी के स्कीम में यह हर व्यक्ति को खुद तय करना है कि उसका आचरण ऐसा हो कि वह दूसरे को हानिकारक न क्षति हा, नहीं पहुंचाए या दूसरे समुदाय के प्रति नफरत के बीज न बोए वह अहिंसक हो मनसा वाचा कर्मना तो इन कारणों से गांधी जी के लिए इन अनुभवों का इन सामाजिक मूल्यों का ऐतिहासिक होना या न होना कतई मायने नहीं रखता था क्योंकि उनके लिए रामराज्य किसी स्वर्णिम अतीत में न होकर जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा लोगों के मन में बसता था यह मन के सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक था जिसकी प्राप्ति हेतु उद्देश्य एवं उद्देश्य प्राप्ति का मार्ग मीन्स और एंड ये दोनों प्रक्रिया पवित्र होनी चाहिए यहां एक बार फिर से मैं याद दिला दूं कि वे राम राज्य की बात कर रहे हैं तो किसी संगठित धर्म की बात नहीं कर रहे हैं वे उस पवित्रता की बात कर रहे हैं जो उस आदर्श की बात कर रहे हैं जहां समाज का हर व्यक्ति प्रसन्न है खुश है और जब हर व्यक्ति तो वह कोई एक किसी खास समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं यहां अलगाव की बात नहीं है इसीलिए मूल्य बोध है और इस कारण से भी यहां इस विश्वास को आप ऐतिहासिक तथ्य में कन्वर्ट नहीं कर सकते परिवर्तित नहीं कर सकते तो जो इतिहास का अतीत के ऊपर अतीत के ज्ञान के रूप में एक सार्वभौमिक अधिकार लेने की जो बात थी अतीत को रिप्रेजेंट करने की जो बात थी कि अतीत का वही हिस्सा महत्वपूर्ण है जो इतिहास के माध्यम से ऐतिहासिक पद्धतियों के जरिए हमारे सामने आता है उस दावे पर सवालिया निशान गांधी जी लगा रहे हैं और जब यह निशान लगा रहे हैं तो वहां सत्य को लेकर ऐतिहासिक सत्य को लेकर जो इतिहास का क्लेम है जो वैश्विक सत्य के उत्पादन का दावा है इतिहास का उसको खारिज किया जा रहा है क्योंकि गांधी जी के लिए सत्य व्यक्तिगत विश्वास की कसौटी पर ही कसा मूल्य बोध है इतिहास हमें सिखाता है कि सत्य वस्तुनिष्ठ और निरपेक्ष होता है गांधी जी कहते हैं कि सत्य पवित्र है मूल्य सापेक्ष है अब देखें ये जो पवित्रता की बात है इसे विज्ञान की भाषा में आप कैसे अनुवाद करेंगे क्योंकि इसे निरपेक्ष रूप से जांचा परखा तो जा नहीं सकता तो इस पवित्रता का क्या मायने होता है इतिहास में और जैसे ही हम पवित्रता की बात कर रहे हैं तो इतिहास का जो जो क्लेम है सत्य जहां वस्तुनिष्ठ हो जाता है वह धाराशाही हो जाता है आप किसी प्रयोगशाला में किसी पद्धति के द्वारा पवित्र सत्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं वह अलग अलग व्यक्तियों के मन में उनके जीवन पद्धति में अलग तरीके से आएगा और हर के लिए पवित्रता का स्वरूप भले ही अलग अलग हो जो उनके अपने अपने धर्म के स्वरूप से तय होता हो लेकिन उसका जो इसेंस है जहाँ शांति और मैत्री की बात है जहाँ नफरत नहीं अहिंसा की बात है वह इसेंस वह विश्वास की बात है जो गांधी जी के लिए महत्वपूर्ण है इतिहास का दावा कि विश्व को समाज के अंधविश्वासों को मिथकों को प्रमाण की कसौटी पर कसकर ही धार्मिकता के दायरे से ज्ञान विज्ञान को बाहर ले आना है पूरी आधुनिकता की इतिहास जो हमारे सामने है एक हज़ार साल का वह इसी विश्वास और तर्क के बीच का जद्दोजहद है लेकिन गांधी कहते हैं कि हर चीज को आप तर्क से नहीं प्रमाणित या खारिज कर सकते हैं किसी के व्यक्तिगत विश्वास को के क्या तर्क हो सकते हैं क्या प्रमाण दिए जा सकते हैं तो इतिहास जो क्लेम करता है कि हम विज्ञान की भाषा बोलते हैं जहां अंधविश्वास के लिए जगह नहीं है मिथकों के लिए जगह नहीं है जहां सब कुछ प्रमाणिक सत्य से ही स्वरूपित होता है निर्देशित होता है जबकि दूसरी तरफ गांधी जी के लिए धार्मिकता किसी संगठित धर्म की बात नहीं है जैसा मैंने अभी कहा यह जीवन की नैतिकता की वह भाषा है जो पवित्रता के लहजे में बात करती है तो जो इतिहास का एक सिंगुलर यूनिवर्सल क्लेम था उस पर गांधी जी प्रहार करते हैं और यहाँ इतिहास प्लूरल हो जाता है बहुवचनीय हो जाता है लेकिन क्या इसका मतलब है कि वह सांस्कृतिक सापेक्षवाद कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करते हैं कदापि नहीं वे किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह भी आधुनिकता से बाहर छूटे हुए छूटे रह गए जीवन पद्धति को आधुनिकता की भाषा के लिए अनुवाद नहीं कर रहे हैं वे आधुनिकता को ही सिरे से नकार रहे हैं आधुनिकता के दावों को खारिज कर रहे हैं तो यहां इतिहास एक हकीकत और उस हकीकत के विवरण दोनों ही स्तर पर हमारे सामने नहीं आता है मैं फिर से दोहरा दूं कि इतिहास अर्थात अतीत में जो घटनाएं घटित हुई जो हकीकत अकीत का अतीत का है प्रमाणित प्रामाणिक हकीकत वहाँ उसकी भी बात नहीं है उस हकीकत को जिस तरह से विश्लेषित कर इतिहास में हमारे सामने वर्तमान में लाया जाता है उसकी भी बात नहीं है यहाँ इन दोनों ही स्तरों पर क्योंकि गांधी जी ने पहले ही इतिहास और राज्य के बीच के संबंध की तरफ इशारा किया तो इतिहास में सत्ता और शक्ति की जो दखलंदाजी है गठजोर है वहाँ इतिहास को इतिहास का जो जो एपिस्टमिक जो चार्ज है ज्ञान मीमांसा के स्तर पर जो इसके शुद्धता को लेकर जो दावे हैं वह गांधी जी के लिए संदेहास्पद हैं क्योंकि यह पहले ही राज्य की शक्ति और सत्ता और ज्ञान के गठजोड़ से बना है तो यहाँ मिलावट तो शुरू से ही है वैचारिक स्तर पर इसे सामाजिकता से समय से असंपृक्त भी नहीं माना जा सकता क्योंकि हमारे सामने 200 साल का इतिहास रहा है जहां इतिहास और साम्राज्यवाद एक दूसरे से मिले गहरे ताल्लुक रखते हुए दिखते हैं तो फिर सत्य समय से असंपृक्त नहीं है उस समय से असंपृक्त नहीं है जिस जिसमें उस सक, सत्य का उत्पादन हो रहा है तो इतिहास का जो इपिस्टमिक क्लेम अतीत को रिप्रेजेंट करने का है उसे भी गांधी जी खारिज कर रहे हैं उसकी उसकी शुद्धता पर सवाल सवालिया निशान लगाते हैं साथ ही शास्त्रीय दर्शन की बात करें तो हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में किसी भी विचारधारा में इतिहास को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया तो ये एक अलग स्तर हमारे सामने खुलता है ऐसे में देखें कि जब इन अलग अलग स्तरों पर गांधी जी इतिहास के दावों को खारिज कर रहे हैं तो उनके पास बहुत सारे विकल्प थे जैसा कि मैंने शुरू में कहा वे औपनिवेशिक इतिहास लेखन की खामियों की बात कर सकते थे औपनिवेशिक गद्य का सहारा ले सकते थे आलोचनात्मक रवैया जो आधुनिक इतिहास की संकल्पना के भीतर से इतिहास की पद्धतियों के भीतर से में रहकर भी आलोचना कर सकते थे एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह बात कर सकते थे जहाँ आधुनिकता से बाहर छूटे हुए समुदायों की ज्ञान पद्धति को आधुनिकता की भाषा में उनका अनुवाद करना उनका उनको उनका प्रतिनिधित्व करना यह कर सकते थे परंतु इस सब से इतर गांधी जी के यहाँ एक नई मीमांसा है एक नया आकाश है और इस आकाश को समझने के लिए इस धरातल को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि जिस तरह से गांधी जी ने राजनीति में पहले से छूटे हुए जो वर्ग थे कृषक आमजन निरक्षर समाज जिस तरह से उस समाज को राष्ट्रीय मूलधारा से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की मूल धारा से उन्होंने जोड़ा उसी तरह जब वे इतिहास की तरफ उन्मुख हैं अतीत की तरफ उन्मुख हैं तो उन समुदायों के अतीत के साथ संबंध की बात कर रहे हैं जिनका अतीत के साथ वार्तालाप इतिहास के पाठ्य पुस्तकों इतिहास के प्रणालियों इतिहास की प्रामाणिकताओं के, के जरिए नहीं हो रहा है अर्थात ऐसे समुदाय जिनका जिन्हें इतिहास ने बाहर छोड़ दिया जिनका इतिहास उनके अपने शर्तों पर हमारे सामने दिखता है जब वे अपने जीवन की जीवन पद्धति की बात करते हैं तो वह समुदाय जो इतिहास के फ्रेम इतिहास के चौकठे से अतीत में नहीं झांक रहा है जो अतीत में अपने सामाजिक मूल्य बोधों के जरिए संवाद कर रहा है उसकी बात करते हैं जिसे बात के इतिहास के सवल्टन स्कूल जिस पर हम बात के लेक्चर्स में विस्तार से बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ अनलेटर्ड की जो बात है या वह समुदाय जिसका इतिहास नहीं है उसकी बात है उसके अतीत के साथ कैसे संवाद किया जाए वह क्या तार है जहां इस बृहत्तर समुदाय के लिए अतीत और वर्तमान दोनों एक दूसरे से गहरे मिले हुए हैं यह बात है गांधी जी के इतिहास दृष्टि में और यह मूल्य बोध है यह विश्वास की बात है यह उस नैतिकता की बात है जो किसी भी वस्तुनिष्ठ सत्य के अवधारणा से परे किसी वैश्विक इतिहास के ढांचे से परे, समाज के जमीनी धरातल पर सांस लेती है और इस दृष्टि को हम इतिहासकार किस तरह से उपयोग कर सकते हैं यह हमारे लिए एक नई चुनौती है मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और चर्चा जारी रहेगी शुक्रिया